दीपक चोपड़ा जी ने बताया हुआ चौथा स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चौथा रूल या चौथा सिद्धांत या प्रिंसिपल या उसूल यह है कि लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट मतलब कम कोशिश में ज़्यादा कैसा पाना, कैसा अचीव करना, वो है। एक तरह का यह स्मार्ट वर्क है कि ज़्यादा एनर्जी खर्चा न करते हुए, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्ची नहीं करना, और हम ज़्यादा कैसे पा सकते, ज़्यादा कैसे मिला सकते हैं। क्योंकि हम जब नेचर में देखते हैं या ब्रह्मांड में देखते हैं या एनवायरमेंट में हम देखते हैं, तो हम बोलते हैं ना नेचुरल सब हो रहा है। नेचर में कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होता है, किसका कोई एफर्ट नहीं डालता है नेचर में, वो नेचर नेचुरल बोलते हैं, वो आप ही आप होते रहता है। जैसा फूल खिलता है, कली कली खिलती है और गुलाब का फूल समझो होता है, बड़ा हो जाता है, उसको कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता, वो नेचुरली हो जाती है। पंछी उड़ते हैं, वो नेचुरल है, वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। फूल की जो कली है वो कली फूल होने की कोशिश नहीं कर रही, वो हो जाती है। मछलियाँ जो है वो तैरने की कोशिश नहीं करती है, वो तैरती है। तो ये जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसमें कोई एफर्ट लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरल है बहुत सारी चीज़। और हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा करते हैं, और वो खर्चीले इंसान हमें एनर्जी के बारे में, और वो एनर्जी हम खर्चा नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो वो एनर्जी हमें काम में आएंगी कुछ बड़ा काम करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। तो ये वो सिद्धांत है। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि कम काम करो और ज़्यादा पाओ, डू लेस एंड अकम्प्लिश मोर। ये भी होता है कि भाई कम एफर्ट डालो, कम काम करो और ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा पाओ। देखो मिराकल जो बोलते हैं, चमत्कार, चमत्कार क्या होता है? हम बोलते चमत्कार हो गया, तो चमत्कार कैसे होता है? किसको चमत्कार हम बोलते हैं? कि भाई हमने कुछ किया नहीं है और वो ऐसे रिजल्ट हमको मिल गए, ऐसे ब्रेक थ्रू हो गया, उसको बोलते हम चमत्कार, चमत्कार हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वैसा हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में। क्या होता है कि जब हम कम से कम एनर्जी हम खर्च करेंगे, कम से कम एनर्जी एक्शन में डालेंगे, तो क्या होगा, वो एनर्जी को हम प्यार में बदल सकते हैं, वो एनर्जी का प्यार में रूपांतरण हो सकता है। होता क्या है कि जब आप पावर मिलाने की कोशिश करते, ओवर पावर करने की कोशिश करते, किसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, या किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। एक्चुअली ईगो जो हमारा है, अहंकार, अहम, हमारी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, उसको चाहिए वाह वाह, उसको चाहिए तारीफ, प्रशंसा, उसको चाहिए इम्पोर्टेंस, और वो मिलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है। मगर हम जब प्यार से कुछ भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ प्यार से करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं, एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं, प्यार से, तो हमारी एनर्जी खर्च नहीं होगी, और फिर वो एनर्जी का रूपांतरण होगा और कुछ काम में, अच्छे काम में, और वहाँ से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा। जब हम एनर्जी बचा लेंगे तो वो एनर्जी से हम अनगिनत संपत्ति मिला सकेंगे, क्योंकि एनर्जी बची हुई, हमने एनर्जी खर्च नहीं की हुई। यानी बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं यार थक गया हूँ, बहुत थकान आ गई है। क्यों थकान आ गई है पता नहीं, बहुत ताकत, शाम को लोग बोलते कि भाई बहुत थक गया हूँ मैं। क्यों ऐसा होता है? आपने कुछ फिजिकल वर्क तो किया नहीं है, मगर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई हुई है हर चीज़ में। तो एनर्जी कैसे कम लगाना, वो हम देखने वाले हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी ईगो को खुश करने में लगी हुई है, ईगो को इम्पोर्टेंस देने के लिए लगी हुई है, और वो एनर्जी यदि हम वो वहाँ खर्चा नहीं करेंगे ईगो की इम्पोर्टेंस के लिए, ईगो को बड़ा करने के लिए, तो वो एनर्जी और जगह चैनलाइज हो जाएंगी, और जगह काम करेगी, और वहाँ से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट जो है उसके तीन कंपोनेंट है, तीन अंश है। नंबर एक है, पहला वाला जो है वो है कि भाई एक्सेप्ट करो।
एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना। तो कोई भी चीज हो, परिस्थिति हो, प्रसंग हो, कोई घटना हो, लोग हो, लोगों के साथ में अपना व्यवहार हो, जो भी हो रहा है उसको जैसा हो रहा है वैसा उसको देखो और उसका स्वीकार करो। हम क्या करते हैं, जो हो रहा है उसका स्वीकार नहीं करते हैं, बोलते नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलता है, हम रिएक्ट करते रहते हैं। जो हो रहा है वो नेचर से हो रहा है, यूनिवर्स में घटना होते जा रही है, यूनिवर्स में घटना हो रही है, जो हुआ वो पास्ट में हुआ, अभी हो रहा है क्या, नहीं अभी नहीं हो रहा है, तो फिर अभी क्यों आप परेशान हो, तो जो भी हो गया है इसका मतलब उसको स्वीकार करो और जो हो रहा है उसको भी स्वीकार करो। हम क्या बोलते हैं, नहीं 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 ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट, है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसा होना चाहिए। तो लोगों का स्वीकार करो, परिस्थिति का स्वीकार करो, वो जैसे है वैसे है और जैसे नहीं है वैसे नहीं है, स्वीकार करना, उसका चुनाव करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। और वो जैसी कंडीशन है, जैसी परिस्थिति है, उसका स्वीकार करते हो तो आप बहुत फ्री हो जाएंगे, बहुत एनर्जी आपकी बच जाएगी, क्योंकि आप बहुत रेजिस्ट करते हो और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। जब आप वो परिस्थिति को रेजिस्ट कर रहे, विरोध कर रहे, प्रतिकार कर रहे, तो इसका मतलब आप नेचर जो है उसके साथ में प्रतिकार कर रहे, उसका प्रतिकार कर रहे, और वो तकलीफदेह होता है। तो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसका प्रतिकार नहीं कर रहे, उसको विरोध नहीं कर रहे, और जैसी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसका आप जैसी है वैसे स्वीकार कर रहे, वो क्षण में उसका स्वीकार कर रहे। और जब वो क्षण में उसका स्वीकार करते हैं तो आप मतलब वो क्षण का टोटल एंड कंप्लीट बिल्कुल जैसा है वैसा उसका स्वीकार करते तो आपको बहुत शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी और आपको फिर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए मौका मिलेगा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट नेक्स्ट। जो भी है उसका मैंने स्वीकार किया, जो भी है उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जो हुआ वो हो गया, चलो एक्सेप्टेड, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट फिर बाद में आ सकता है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, राधर देन कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, उसमें हमारी एनर्जी लगाना ही नहीं है। तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल। दूसरा जो इसमें प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में है। दूसरा जो उसका अंश है या जो प्रकार है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट लगाने का, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि जो भी कुछ हो रहा है, सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ, जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, क्या मैं अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, क्या बुरा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, जो भी हो रहा है वो हो रहा है, उसको रेस्पॉन्स देना ये मेरे दिमाग में है। तो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का सेकंड कंपोनेंट जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं जो रेस्पॉन्स दे रहा हूँ वो रिएक्शन से नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ। घटना कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो जाए, मैं जो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ वो मेरा चॉइस है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि उसने ऐसा किया करके मैंने ऐसा किया। और इसका ही दूसरा अंग जो है वो है कि नॉट टू ब्लेम एनीवन, क्योंकि जो भी हो रहा है उसको मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो फिर ब्लेम करने का सवाल ही कहाँ है। जब हम ब्लेम करते हैं तो हम लोगों के ऊपर उंगलियाँ उठाते रहते हैं, तो वहाँ उंगलियाँ उठा के कुछ भी होने वाला है नहीं। जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं उसके लिए कारणीभूत हूँ, यहाँ से मैं ऑपरेट करूँगा। तो फिर मैं रिएक्शन जो देता हूँ वो भी मैं ऑब्जर्व करूँगा कि भाई मेरी रिएक्शन कैसी रहेंगी। मैं कोई भी प्रॉब्लम जो आ रहा हूँ उसको प्रॉब्लम ना समझते हैं, उसको मैं चैलेंज समझूंगा। मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम है, वो तो चैलेंज है। और जब चैलेंज है तो फिर इसका सोल्यूशन मैं ढूंढूंगा। तो मैं जब रिएक्ट कर रहा हूँ, रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ रिएक्टिवली, तो मैं प्रॉब्लम को रिएक्ट कर रहा हूँ, उसके बदले मैं चैलेंज का स्वीकार कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है। और जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा और वो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से निकालूंगा सॉल्यूशन, तो वहाँ मेरी लीस्ट एनर्जी लगेगी। क्योंकि मैं जब रिएक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ ब्लेम करता हूँ, तो मेरी एनर्जी उसमें चली जाती है ब्लेम करने में। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी घटना हो, वो घटना को मुझे बेंड होके, मुझे फ्लेक्सिबल होके उसको देखना पड़ेगा। आपने देखा है ओक ट्री, ताड़ी का झाड़ रहता है, मतलब पेड़ रहता है, वो तूफान आ गया ना तो बाकी पेड़ जो है ना झुक जाएगी, ये झुकेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा तूफान आ गया तो टूट जाएगा। तो हम टूटने के बदले हम झुक जाएंगे, काम पड़ा तो, और झुक के फिर खड़े हो जाएंगे। इसका ही मतलब ऐसा है कि जो सिचुएशन है उसका स्वीकार करके जो भी मुझे करना है, ना रेजिस्ट करेंगे ना रिएक्ट करेंगे, तो वो मैं झुक के करूँगा, और जो जैसी सिचुएशन है उसको देखूंगा, उसका स्वीकार करूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का तीसरा कंपोनेंट जो है वो है डिफेंसलेसनेस। मतलब कोई भी चीज़ डिफेंड नहीं करना है, बचाव नहीं करना है अपना। क्या होता है कि हमारी बहुत एनर्जी हमारा बचाव करने में जाती है कि भाई मैं कैसा सही हूँ, मैं स्पष्टीकरण देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं जज करता हूँ, मेरा ओपिनियन बताता हूँ कैसा है। इसमें यह है कि भाई जो भी कुछ कोई भी चीज़ बोल रहा है तो मुझे किसी को उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता के कन्विंस करने का नहीं है। मुझे यही करना है कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो आपका व्यू है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा व्यू है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मेरा व्यू एक्सेप्ट करना है, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि मैंने आपका व्यू एक्सेप्ट करना है। तो हर एक को अपना अपना व्यू है, एंड यह जब आप प्रेजेंट हो जाते हैं कि देयर कैन बी 100 व्यूज़, 100 पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर आप बहसबाजी नहीं करेंगे, आप लोगों को कन्विंस करने में, परसुएड करने में, है ना, ऐसा पीछे लग के भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, ऐसे इसमें लगेंगे नहीं। बोले ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आया, आपको यही बोलना है ना, ठीक है मुझे समझ में आ गया। तो फिर डिफेंसलेसनेस जब करते, बच्चाओं का पवित्रा लेते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पटापटा के बताना चालू कर देते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी एनर्जी चले जाती है। फिर जब आप प्रेजेंट हो जाते हैं कि नहीं भाई ये है, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर आप प्रेजेंट में हो जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाएंगे, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में आ जाएंगे, वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि हम दिमाग में घुसे रहते हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हम फोर्सफुली बोलते रहते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम इसको प्रेजेंट हो जाएंगे, अरे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, देन फिर हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। किसी ने ऐसा कहा है कि प्रेजेंट में रहना है मतलब वर्तमान में रहना है, तो प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। किसी ने ऐसा बोला है कि पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, द करंट मोमेंट इज अ गिफ्ट विच इज गिवन टू अस बाय गॉड, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। भूतकाल जो है वो इतिहास है, भविष्यकाल जो है वो चमत्कार है या मिस्ट्री है, मालूम नहीं क्या है, अनाकलनीय है। हमको मालूम नहीं कि भूतकाल में जो हो गया हो गया, फ्यूचर में क्या होने वाला मालूम नहीं है। वर्तमान जो है वो हमको एक उपहार दिया हुआ है ऊपर वाले ने, और इसके लिए उसको बोलते हैं वो उपहार को प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट मोमेंट ये उपहार दिया हुआ है, और इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, और हम प्रेजेंट टू द प्रेजेंट हो जाएंगे। तो आप जब बचाव नहीं करते हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक मन को शांति, मन को खुशी मिलेगी, और आपको कभी एंजाइटी, चिंता, डर ऐसा कभी महसूस ही नहीं होगा, आप फ्री हो जाओगे। और जब जीने में टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, एंजाइटी नहीं है, डर नहीं है, खुशियाँ है, प्यार है, तो डेफिनेटली आपका जो होना है, आपका जीना है, आपके एक्शंस वो एफर्टलेस हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी। यहाँ अभी ये लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में तीन कंपोनेंट्स बताए। नंबर एक जो बताया वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, चूज करना, चॉइस है आपका, जो भी हो रहा है वो जैसा है वैसा है, उसका स्वीकार करो, जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करना नंबर एक। नंबर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं रेस्पॉन्स दूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा, और वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज है, वो अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से उसको पेश आऊंगा। और नंबर तीन है डिफेंसलेसनेस, मतलब बिना बचाव का जीना, बिना पीछे लग के, बिना कन्विंस करके, बिना लोगों को अपना पॉइंट समझा के, उसके गले उतार के, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है, जो है ठीक है उसको प्रेजेंट हो जाना कि भाई ये उसका पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है,
और हम ये भी बोल सकते कि वी एग्री टू डिसएग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीनों भी हम करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत बच जाएगी। और जब एनर्जी जब बच जाती है तो भाई मेरे पास में एनर्जी बचेंगी ना, क्योंकि मेरी एनर्जी सब इसमें चले जाती है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसको रेजिस्ट करो, उसको रेजिस्ट करो, और हम थक जाते हैं शाम तक, तो वो नहीं होंगी, स्वीकार करेंगे हैप्पीनेस प्यार यहाँ से हम जी रहे हैं तो रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट आएंगे। ये आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।